आदमी सीख के आगे बढ़ता है आज भी हम सीखेंगे इट्स टाइम टू लर्न फ्रॉम ए लेजेंड ए मास्टर उनको बुलाने से पहले मैं कुछ उनके बारे में बताना चाहूंगा उन्होंने अपना बिजनेस जो है वो एक बहुत ही रिमोट स्टेज से शुरू किया चाहे जिसको हम कहते हैं ही वॉज द वन ऑफ द यंगेस्ट अचीवर रॉयल्टी अचीवर इंड यू सॉफ्ट बड़ी छोटी उम्र में उन्होंने बिजनेस शुरू किया करीब 18, 17, 18 साल के रहेंगे जब शुरू किया लेकिन ही वॉज द यंगेस्ट रॉयल्टी अचीवर इन दूसऑफ उन्नीस साल में उन्हें रॉयल्टी ली जहां पे नौजवानों को दिशा मिली कि हां ये बहुत बड़ा कैरियर है वहां पे एज बंदों को भी मौका मिला कि यार अगर ये लड़का उन्नीस साल का कर सकता है तो हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं बिल्कुल सर बिल्कुल वो ऐसी पर्सनैलिटी है वो ऐसी पर्सनैलिटी है इज द वन ऑफ द स्वीटेस्ट स्वीटेस्ट स्पीकर आई हैव हर्ड इतना प्यारा इतना मीठा बोलते हैं कि हर उनको आदमी हर उनको बार बार सुनना और देखना चाहता है बिल्कुल सर इतने लविंग है इतनी कमिटमेंट है नॉट ओनली इज ए गुड लीडर बट इज ए वेरी गुड मैनेजर अपनी टीम की डेप्थ से लेकर प्रॉब्लम को वो डायरेक्ट सुनते हैं और डायरेक्ट सॉर्ट आउट करते हैं आज बहुत बड़ा मुकाम बनाया है बहुत बड़ा प्यार बनाया है अपने मैनेजिंग मेने, से उन्होंने ना सिर्फ बिहार में बल्कि छत्तीसगढ़ में झारखंड में वेस्ट बंगाल में उड़ीसा में मध्य प्रदेश में अपना बिजनेस डेवलप किया है मुझे बताते हुए आज बहुत खुशी हो रही है राइट नो ही सिटिंग ऑन द चेयर ऑफ क्राउन ज्यूल आज वो ड्यूसऑफ के चमकते हुए गहने हैं क्राउन ज्यूल हैं पर बहुत जल्दी इन ए वेरी फ्यू वीक्स विल सी हिम ऑन द टोपास तो चेयर He is going ही इज गोइंग टू बी यंगेस्टाज इन दिस्ट्री ऑफ जूसऑफ आज वो सबके सहेते चहेते बन चुके हैं आज आज वो अपनी टीम को ना सिर्फ बल्कि उन्होंने सब डिस्ट्रिक्ट में सर्वाइव किया है बल्कि लीड किया है इज वेरी क्यूट पर्सन हर बंदा बन, उनको मिलना चाहता है He has always cute smile on his face। मैंने जब उनको लास्ट टाइम शिमला और फर्स्ट टाइम मैंने उनको दिल्ली स्टेज में सुना था मैं वहाँ सीडियो में बैठा था बड़ा शानदार गाना चला बड़ा शानदार डांस किया उन्होंने और मुझे लकली मौका मिला उनको शिमला में सुनने का वेरी स्पीकर बहुत ही शानदार तो मैं आपके और उनके बीच ज्यादा बड़ी दीवार ना बनते हुए ज़्यादा समय लेते हुए उनको स्टेज पे बुलाना चाहूंगा गोइंग टू कॉल द वन ऑफ द लेजेंड द मास्टर द स्पीकर द वेरी पर्सन इज कुमार ऑलवेज एक्साइटेड डिफ्ट ऑलवेज एक्साइटेड रहते हैं बात सही है एक चीज आपको बताना चाहूंगा यहां से ऐसी तो दुनिया बहुत हसीन है बहुत हसीन है दुनिया पर यहां से देखो तो कुछ और ही नजर आता है दुनिया। तो यहां से देखना चाहते हैं दुनिया को yeah. कौन कौन देखना चाहते हैं yeah. दो दो हाथ उठा रहे हैं दो दो बार देखना चाहते हैं yeah. क्या बात है पीछे भी शाबाश क्या बात है थैंक यू मैं बहुत एक्साइटेड हूं आज हमेशा रहता हूं में जब से हूं पर आज कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हूं खास कारण है इसके एक साथ भविष्य के इतने शानदार रॉयल्टी होल्डर्स के साथ बैठे होना बहुत गर्व महसूस करता है एक शानदार फीलिंग देती है कि इतने सारे रॉयल्टी होल्डर के साथ हम सारे लोग आज यहां बैठे हैं और कुछ सपनों को बुन रहे हैं भविष्य की थैंक्स कहना चाहूंगा ड्यूसॉफ्ट को जिसने मेरी जिंदगी बदली थैंक्स कहना चाहूंगा अपने अप्लायंस को जिन्होंने सिखाया जिन्होंने दिखाया और जिन्होंने विश्वास दिलाया थैंक्स कहना चाहूंगा अपनी पूरी इंटायर टीम को जिसने बहुत मेहनत की और मेरे सपनों को जगा दिया लोग कहते हैं कुमार मनीष बड़ा ड्रीमर है पर हकीकत में मैं क्या था ये मैं जानता हूं वो मेरी पूरी टीम है जिसने मेरे ख्वाब को जगाया जो मुझे महसूस करवाया कि जिंदगी में मैं भी कुछ कर सकता हूँ थैंक्स कहना चाहूंगा ड्यूसऑफ के सारे चैंपियंस का जिन्होंने कर करकर के इतनी बार दिखाया कि लगा कि काम आसान है थैंक्स करता हूं आप सारे हीरोज को थोड़ा सी अपने बारे में बताऊंगा सबसे पहले रहने वाला हूं झारखंड के बोकारो स्टील सिटी का एक बहुत ही साधारण परिवार से बिलोंग करता था पिताजी एक छोटे से दुकानदार दुकान एक छोटी सी चलाते थे छोटी सी रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान थी हम लोग तीन भाई एक बहन पूरा बड़ा सा परिवार कमाने वाला एक इंसान और सपने देखने वाले सारे लोग ज़िंदगी शुरू हुई थी वहाँ से ड्यू सॉफ्ट मैं जब पहली बार आया था और पहली बार जब ड्यू सॉफ्ट को सुना था बहुत ही अजीब लगा था न विश्वास ही होता था और न अविश्वास ही होता था न पचता था न निगलते बनता था न उगलते बनता था कोई रात में अकेला था हॉस्टल में था उस समय ट्वेल्व पास की थी मैंने पार्ट वन में एडमिशन लिया था और उस वक्त ड्यू सॉफ्ट को सुना था पहली बार और रात में कोई नहीं था सिंगल बेड सो रहा आराम से और नींद नहीं आ रही थी कभी दिल करता था करके देख ले यार कहीं पैसा आ जाए कभी दिल कहता था पागल है तू तो पढ़ा लिखा है कैलकुलेशन कर कैसे आ सकता है इतना पैसा दिमाग पूरी रात कैलकुलेशन करता था और चौंतीस लाख या चौंतीस हज़ार नहीं आ पाता था सात हज़ार से पूरी रात अपने को समझाता था कि पैसे डूबने से बचा ले और फिर पूरी रात ना जाने कहां से एक और एनर्जी आती थी और कहती थी करके तो देख ले इसी ऊपर नीचे के क्रम में और अपने सीनियर्स के कहने से उनके विश्वास दिलाने से उनके मेरे साथ मिलने से मेरे साथ एक अच्छे रिलेशन बनाने से मैं इस बिजनेस में आ गया तो कहानियां तो अब मेरी है यहां पे बिजनेस में आने के बाद क्या हुआ जानना चाहेंगे एक बॉल जो दुकान में रहता है तो बड़ा सजा के क्रिकेट खेले आप लोग वो तो बड़ा सजा के रखा रहता है ना है उसके लिए के स्टेज बनाई होती है उस पर ऐसे करके रखा रहता है और जब खिलाड़ी के हाथ में आता है तो क्या हाल होता है दे धुनाई दे धुनाई रंग उतार देता है मैं भी बड़े आराम से पढ़ रहा था आराम से जिंदगी चल रही थी घर से तनख्वाह आता था महीने का महीना हॉस्टल में रहने का और मज़े से उड़ा रहा था और लाइफ में सारी मस्तियां कर रहा था न जाने किसने वो क्या मेरे सीनियर्स ने किया और ड्यूसॉट ने किया शोरूम से उतार लिया और ग्राउंड में पटक दिया और पटकने के बाद जो धुनाई शुरू हुई धुनाई शुरू हुई वो रंग उतार दिया मेरा उसने ड्यूसऑट कुछ इसी तरह शुरू हुआ यार और पहले छे आठ दस महीने मुझे लगता था मैं कौन सी गलती कर बैठा हकीकत बता रहा हूं कौन सी गलती कर बैठा था क्योंकि दस महीने में कुछ आते नहीं थे मेरे पैसे बनते नहीं थे और सीनियर हर बार पीठ पे हाथ रखे कहते थे अगले महीने अच्छा हो जाएगा सीनियर पे भरोसा करके दस महीना टिका था और इसीलिए थैंक्स कहता हूं कि दस महीना नहीं होता तो ग्यारहवें महीने हरियाली नहीं देखता बिजनेस में आया सर ने बोला दो लोग बोला सर दो ही करना है और ज्यादा लोग हो जाएंगे तो क्या करूंगा बोले उन लोगों को सपोर्ट करना बोले सर मेरे बहुत दोस्त है बोले अच्छा हम बोले सर मेरे यहाँ भी दोस्त है वहां भी दोस्त है दोस्ती में माहिर हूं मैं बोला कैसे बोला बहुत हेल्प किया उन लोगों का बहुत डाकिया का, का काम किया था मैंने कॉलेज में तो दोस्तों के पास गया बोला यार सात हजार रुपया बोला क्यों अबे तेरे को लखपति बना दूंगा बोला क्या करेगा बोला कुछ नहीं करना दो आदमी को तेरे को जुगाड़ करना है उसको ज्वाइन करवाना है वो भी ऐसा करेगा चलते चलाएगा पैसा पीट लेगा तू तो। बोला अच्छा सोचता बोला सोचना क्या यार आज तक सोचा एक फोन करता है, पंगा हुआ हम लोग पहुंच जाते हैं सारे सामान वामान के साथ हा? उसमें तो सोचता नहीं कि चक्कू लग गया कुछ लग गया तो वहां तो कोई नहीं सोचता वहां तो सोचता कैसे नाम हो अपना हमने ज्यादा हाथ मारा हमने ज्यादा घुसा मारा हाँ? बोला यार इसमें सोचना क्या इतने पैसे तो हम लोग कितने बार डुबाए पढ़ने में बोला यार सोचता हूँ रुक तो मैंने दो चार दस पंद्रह दोस्तों को बोला और सबने बोला अच्छा करते हैं करते हैं और मैं बोला सर पंद्रह बीस लोग तैयार हैं मेरे आप कहाँ कहाँ गोटी सेट करोगे बताओ मेरे को फायदा होना चाहिए कहते ना आई थिंक लगता है पेंसिल से लिखा हुआ गोटी था सारा किसी ने मिटा दिया और जो पेपर पे मैंने बीस लोगों का नाम लिखा था वो धीरे धीरे जीरो में बदल गया वो जो यूं दिखाया था ना यू ही बच गया कोई ये भी नजर नहीं आ रहा था और मुझे लग रहा था मैं बैठे बिठाए आफत ले, ले बोलते ना आप बैल मुझे मार मुझे लगा मेरे को क्या पंगा था यार मस्ती से जिंदगी कट रही थी ये सीनियर आते हैं डेली बोल के जाते हैं कुछ ना बात करते हैं बोलते हैं यार आप बहुत अच्छा करोगे मेरा हो कुछ नहीं रहा है मैं एक दिन डिसाइड किया बोला बोल दूंगा कि मेरे को करना नहीं मैं साथ हो जाएगा डूब गया मैं मान लिया सर मैं गया बोला सर मुझे कुछ आपसे बात करनी है सर ने बोला पहले मेरे को आपसे बात करनी है <laughs> उन्होंने बोला पहले मेरे को आपसे बात करनी है <laughs> मैं बोला हाँ सर बोलिए मैं तो बहुत कुछ सोच के आया हूँ बोले मैं भी बहुत कुछ सोच के आया हूँ आज uh, तो बोला मैं बोला बोलिए सर आपकी बहुत तारीफ सुनी है मैंने उन्होंने मेरे बारे में बोला आपकी बहुत तारीफ सुनी है और आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और रणविजय जी आए थे और उन्होंने आपकी बहुत सारी तारीफ की और बोला कि सर हीरा चुनके लाए हैं सर क्या सर आप देखिएगा भविष्य में बिहार झारखंड में तो तहलका मचा देगा ये लड़का अब मैं सोचू बोलूं कैसे कि मैं नहीं करूंगा <laughs> वो अब सर बोले आप बोलिए क्या, क्या है क्या बोलना चाह रहे हैं क्या बात है बिजनेस की क्या प्लानिंग है मैं तो सोचा था बोल दूंगा सर मेरा पीछा छोड़ दो सर पर मैं बोला सर मैं जबरदस्त प्लानिंग करके आया हूँ सर यही बोलने आपको आया था सर इसके साथ मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोला बस सर आप मेरे को थोड़ा सा हेल्प कर दो मैंने अपने सीनियर को बोला आप थोड़ा सा हेल्प कर दो बोले मनीष जी आप बोलो तो आप बोलो तो जान हाजिर है सीनियर ने बोला मेरे को आप बोलो तो जान हाजिर है बोले सर जान छोड़ के सर कोई एक पेमेंट मेरा मंगवा दो किसी तरह प्लीज़ मैं एक पेमेंट दिखा लूंगा ना सर तो लाइन लगा दूंगा सर लोगों की मेरा पेमेंट देखने का दे रहा है सर मेरे दोस्त मेरे पेमेंट देखेंगे सर पैसे लेके बैठे हैं बस बोल रहा है तू पेमेंट अपना दिखा तेरे को दे दूंगा सर प्लीज सर वो स्पिल ओवर जो बताया था ना आपने स्पिल ओवर जो बताया था ना सर वो सर प्लीज एक पेमेंट मंगाओ सर फिर कुछ करने का नहीं है आ लगा दूंगा सर पूरा सर मुस्कुरा रहे थे मुझे लगा कि सर एग्री हैं ऐसे अभी भी उनकी यही आदत है और तो जब बैठेंगे ऐसे हाथ नए लोग सोचते हैं एकदम सहमत है उनकी बात से मैं भी यही सोच रहा था एग्री सीनियर है दो आदमी तो ऐसा डाल देगा कहीं से ऑफ कोर्स मनीष जी ये तो बड़ी बात नहीं है लेकिन मैंने जितनी आपकी तारीफ सुनी है एक चीज बता दो ड्यू सॉफ्ट में स्पिल ओवर उन लोगों को मिलती है जिनमें काबिलियत नहीं होती है जिनमें दम नहीं होता सीनियर को लगता है कि गलती से ये ज्वाइन कर गया ये इसके जुड़ने से मेरा बिजनेस खराब हो रहा है इसीलिए किसी आगे को किसी को और को लाके आगे बिठाता है इसीलिए कंपनी ने स्पिल ओवर बनाई है रणवीर जैन जी ने, ने।, ने जीने तो आपके बारे में बहुत सारी चीजें बताई है और मनीष जी मैं हूं ना बोला जी सर आप लगो प्लान मैं दे दूंगा आपका मैं बोला सर प्लान देने की प्लान तो मैं दे लेता हूँ सर प्लान देने की जरूरत नहीं है सर बस थोड़ा सा एक बार मंगा दीजिए सर बोले मैं प्लान दूंगा यार चल मैं प्लान दूंगा मैं मन में सोच रहा था प्लान तो मैं भी दे लेता हूं प्लान में है क्या यार प्लान में बताना है कंप्यूटर पढ़ना है यार सात हजार का जुगाड़ करना है दो आदमी का जुगाड़ कर चौतीस लाख रुपया कमा प्लान में है क्या प्लान में बताना क्या है मैं तो दो मिनट में प्लान दे देता हूँ वो तो चाय पीते पीते दे देता हूँ ऑटो में बैठे बैठे दे देता हूँ किसी को भी दे लेता हूँ प्लान में क्या है आदमी का जुगाड़ करना इंपॉर्टेंट है नहीं मैं ये सोच रहा था बोला सर प्लान तो मैं दे लेता उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को बोले अब दे लेते हो प्लान कितने दिन हुआ बोला सर एक महीने में बहुत धक्के खा लिया मैंने एक महीने हो गए सर और बहुतों लोगों को प्लान दे दिया बोले कितने को दिया सर पंद्रह बीस लोगों को दिया बोले बस बोला नहीं सर इतने को दिया और लोग है देने वाला हूँ सर बोले कितने लोग हैं बोले सर ऐसे तो मेरा बहुत है लोग बहुत लोग हैं बोले बहुत फिर भी कितना आपका लिस्ट कितने लोग मैं बोला सर सौ लोगों का बोले लिस्ट दिखाइए मैं तो लिस्ट बनाया नहीं कभी हाँ तो मैं बोला सर ऐसा है बचपन से आदत थी होमवर्क नहीं करने की और बोलता था कॉपी छूट गई खूब ढूंढता था क्लास में किधर गई किधर गई ऐसे बैग उठा के सॉरी सर छूट गया हाथ निकाल बाहर बचपन में तो मैं बोला ऐसे देखा ऐसे देखा अपना डायरी निकाला पन्ना पड़ रहा सॉरी सर दूसरी वाली डायरी आ गई है सर बोले कोई बात नहीं मनीष जी आपके दोस्त थे ना दूसरे के दोस्त थे बोले सर क्या बात सर मेरे दोस्त थे सारे लिस्ट मैंने खुद से बनाया बोले मैं आधे घंटे का समय देता हूँ पियो मैं चाय मंगवाता हूँ और तू आप लिख लो नाम अब मेरी सांसें फूलने लगी जितने को प्लान दिया था उससे ज्यादा नाम याद ही नहीं आ रहा था अब बोलो सर कल फिर मिलते हैं सर कल कर लेंगे हम लोग बोले क्यों मनीष जी आज से शुरू करते हैं आपके जैसा बंदा मेरे को मिला नहीं बार बार मेरे को मोटिवेट कर दे और मेरे को बता दे मैं तोप चीज हूं कोई मेरे को बोले तोप है तो मैं क्या बोलूं कि मैं खोखा हूं हा? कोई बोले तू शेर है तो मैं क्या बोलूं हूं मेरे पिताजी ने बोला मेरे को कि मैं नालायक हूं मेरे टीचर ने बोला तेरे से जिंदगी में कुछ नहीं होगा मैं भी बात तो सही है सर मैं अभी लिखता हूं सर और नाम सोचने लगा और दोस्तों के नाम याद नहीं आए ना तो जितने नाम दिमाग में थे ना दोस्त भी नहीं था वो सब लिख दिया पहले ए से नाम सोचा बी से नाम सोचा लिख दिया सर के सामने दे दिया बोले वाह मनीष जी सही में रणवीर जी ने आपकी सही तारीफ की नहीं अच्छा एड्रेस इसका नहीं लिखा सबके सामने इसका एड्रेस लिख दो दोस्त रहे तब तो एड्रेस लिखू मैं, तो मैं तो नाम सोच सोच के लिखा मैं तो नाम सोच सोच के लिखा मैं बोला अभी सर अभी सर अभी शायद सीनियर थे बिजनेस का एक्सपीरियंस था बोला नहीं नहीं अभी नहीं कल मिलते हैं नाम भी लिख लेना फ़ोन नंबर भी लिख लेना ठीक है मैं बोला सर ये वाला लेके जाऊँ फ्रेश लिख के लाऊंगा मैं सोचा ये रहेगा तो फंस जाऊंगा ना इसी नाम का एड्रेस है ओ बोले हाँ ले जाओ आप फ्रेश तैयार करके देना मैंने मैं गया रात में सीनियर के सामने इज्जत की बात है नाम सोचने लगा दोस्तों के नाम सोचने लगा नाम याद नहीं आ रहे थे फिर रणवीर सर के पास गया और बोला सर कहाँ फँसा दिए किनसे मिला दिया सर क्यों अरे उन्होंने नाम बोल दिया मैंने बोल दिया पचास साठ नाम है बोले लिख दो बोला सर ये सब तो ज्वाइन करेगा ही नहीं मेरा दोस्त लोग क्यों लिखूं बोले अरे इज्जत बनाना है सीनियर के सामने जो जो नहीं ज्वाइन करेगा उसकी नाम लिख दो अरे नाम ही नहीं बोला है उन्होंने तो नहीं बोला ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा उन्होंने तो नाम बोला है लिख दो नाम सीनियर की बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने तो नाम बोला ये तो नहीं बोला कि ज्वाइन करेगा कि नहीं ज्वाइन करेगा मैं तो टेंशन में था कि कौन कौन ज्वाइन करेगा उसका नाम लिखना था उन्होंने बोला था नाम लिखो डी के लिए मैं सोच रहा था जो ज्वाइन करेगा उसके लिए नाम लिखना जब बोला जो नहीं ज्वाइन करेगा मैं सौ डेढ़ सौ लिख दूं सर बोला लिख दो बोला मैं तो ज्यादातर ऐसे लोगों को जानता हूं सर जो नहीं ज्वाइन करेगा डी में मैंने अपने सीनियर को बोला आज भी बैठे हैं हमारे बीच यहीं पर रणवीर सर एक जोरदार तलिया रणवीर सर के लिए ऑलमोस्ट सत्तर अस्सी नाम मैंने लिख दिया उनका जो जो नहीं ज्वाइन करेगा दिमाग में था और उसमें दस बारह ही ज्वाइन करने लायक था मेरे हिसाब से और सबका एड्रेस लिखा और सबका उसमें से कुछ लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर था उस समय फोन था तो दोस्तों के बहुत कम बेस फोन थे तो दो चार लोगों का बेस फोन का नंबर लिखा और अगले दिन सीनियर के पास चला गया और सीनियर देखिए भाई बोले वाह गुरु ऐसा आदमी तो कम मिला मुझे एक दिन में अस्सी लोगों का नाम धमाल मचा दोगे यार वो बोल रहे धमाल मचा दोगे मेरा मन में चल रहा ये सब तो कोई ज्वाइन करेगा ही नहीं धमाल कहाँ से मचेगा आ? वो बोला चलो मैं प्लान करता हूं बोला नहीं नहीं सर आपको नहीं जाने की जरूरत है सर मैं बोला बहुत दूर दूर का है क्योंकि मैं जितनों को जानता था ना वो मेरे से 500 किलोमीटर दूर क्यों नहीं था मैंने सबका नाम लिया मेरे को नाम ज्यादा करना था ना मैंने सबका नाम लिख दिया रिलेटिव दोस्तों सबका नाम लिख दिया था दूर दूर थे मैं बोला सर सारा पटना का नहीं है सर बोले तो मैं बोला कुछ दूसरे डिस्ट्रिक्ट दूसरे स्टेट जो मेरे रिलेटिव्स हैं बोले बस सबको अलग अलग सिंक्रोनाइज कर लो और शहर वाइज मैं कर लिया अलग फिर उन्होंने बोला कि शहर वाइज दूरी वाइज उन्होंने बोला कि 100 किलोमीटर के डिस्टेंस में जो लोग है ना उनका नाम एक जगह लिख लो और 100 से लेके 500 किलोमीटर के बीच में उनका नाम एक जगह लिख लो और 500 से लेके आगे जितने भी पांच हजार पांच लाख किलोमीटर दूर में भी कोई हो उसका नाम एक जगह लिख लो लिखो लिखो अभी सर हाँ लिखो तुरंत तुरंत वहीं पे किया बोले मैं बस मैं एक मीटिंग कर रहा हूं नीचे आप लिख लो मैं लिखा उसके बाद बोले नजदीक वाला मेरा ऑलमोस्ट वाल तीस पैंतीस लिस्ट था वो बोले वाह इसमें आप कौन कौन करेगा इसका नाम एक जगह लिख लो आपको लगता है मैं लगा अब फंसा पोल खुला मेरा ये 35 में तो एक दो नाम ही ऐसा है तो मैं बोला सर करना नहीं करना यार लिखो यार चिंता मत करो मैं लिखा दो से तीन नाम लिखा जो करेगा और बाकी तैतीस चौंतीस नाम लिखा जो नहीं करेगा और बहुत शर्म से सर की तरफ की सारा मेरी वो सोच रहे थे मैं कितना बड़ा हीरो हूं क्या पता कि क्या स्थिति है यहाँ पे ग्राउंड पे वो देखे बोले तीन लोग हैं ना जो करेगा मैं बोला हाँ सर तीन लोग हैं बोले इसको प्लान नहीं करने का क्यों सर ये तो करेगा ही तेरा ये तो तेरा करेगा ही कन्फर्म है ना बोला हाँ सर जो नहीं करेगा उसको चलो करते हैं प्लान मतलब आज मैं जो भी हूं यहां पे मेरे अप्लायंस के बदौलत इतनी अच्छी से मेरी टीचिंग की कभी पता ही नहीं चलने दिया कि मुझे क्या सिखा रहे हैं। पर उन्होंने मुझे बोला, ये है इसकी टेंशन मत ले जो कन्फर्म नहीं है चल मैं चलता हूं उसके साथ प्लान करता हूं तो, प्रैक्टिस का प्रैक्टिस कोई आ गया तो अच्छी बात है बोनस और वो मेरे अपलाइन कोई और नहीं मेरे ग्रेट अपलाइन चिंटू सर एक जोरदार लिए काम शुरू हुआ सर जाते थे एजुकेशन पहले बताते थे मैं बोलता था मेरा पढ़ने वाला दोस्त नहीं है सर बिजनेस बताइए डायरेक्ट मैं अपने सीनियर को बोलता था सर एजुकेशन क्यों बताते हैं बिजनेस डायरेक्ट बताइए तो मेरा मेरा दोस्त सब मेरे है, सर वो बोलते थे नहीं प्रोडक्ट है बताना पड़ेगा ऐसे करना पड़ेगा सीनियर सुनता था और जब भी उनके साथ जाता था ना तो दिल में लगता था ना कुछ खिलाए पिलाए सर शाम में शाम में दिन भर काम किया सर से पूरे दिन भूखे रखते थे ना अपने खाया ना मुझे खिलाया और सीनियर के साथ ज्यादा था सा तो मैं सोचता तो आज शाम में तो मुर्गे दबाऊंगा क्या खाएगा बोलेगा टांग खाएगा सर दिल में रहता था ऐसा और शाम में बोलते ठीक है मनीष जी निकली फिर मैं भी निकलता हूं जी सर बहुत प्रॉब्लम हॉस्टल लाइफ था और दोपहर में नहीं खाया तो थोड़ी मम्मी थी जो रखे रहती कि बेटा आएगा खाएगा सब खत्म कोई ज्वाइनिंग नहीं मिलता था मेरे हॉस्टल में ही रणविजय जी रहते थे आते थे और इनके पास बैठ जाते थे सर कोई उपाय लगाइए ना सर कुछ बोले किस चीज का सर फंस गया सर बोले अरे मनीष जी इतना अच्छा आप कर रहे हो चिंटू सर आपके साथ हैं बोले सर साथ रहने से क्या होता भूखे प्यासे कितना दिन तक दौड़ेगा आदमी बोले आपका बिजनेस पेमेंट आएगा सर पेमेंट बाद में आएगा पेट में तो कुछ आना चाहिए पहले ये एक बार नहीं बोलते थे चलो समोसा खा लो नीचे समोसे का दुकान था एक बार नहीं बोलते बैठे हैं सामने एक बार नहीं कोई बात नहीं मनी जी दो घंटे में तो फिर तो खाना बनेगा ही फिर तो खाना खा लेना और इस तरह से दो महीने तीन महीने हो गए और इस तीन महीने में, में, में मेरा एक पेमेंट बन गया पहला पेमेंट सोच लो क्या खुशी होती है आदमी का खुशी से पागल हो गया मैं पागल होते होते रह गया मेरे पास बैंक में अकाउंट नहीं था स्टूडेंट था ट्वेल्व पास किया था अकाउंट कहां से होगा यार अकाउंट था नहीं वो जो ड्राफ्ट आया और दोस्तों ने जो बोला था ना दिखाओगे तो ज्वाइन करेंगे दोस्तों के पास चला गया लेके देख आ गया बड़ा था ना अब करेगा ना बोला अबे हाथ में है कैश नहीं हुआ कैश नहीं हुआ ये सब हाथ में ही रहता है पैसे नहीं देगा बैंक तेरे को टेंशन अब काम छोड़ दिया पहले पैसे इसको पहले पैसे निकालूंगा काम छोड़ दिया मैं पंद्रह बीस दिन लग गए मुझे अकाउंट खुलवाने में कोई प्रूफ नहीं था ना डीएल था कुछ नहीं था उम्र ही नहीं थी कुछ नहीं था दौड़ा फिर नहीं हुआ फिर घर गया फिर पापा के साथ ज्वाइंट अकाउंट किया और ज्वाइंट करने के बाद उसमें ड्राफ्ट डाला डाला और ड्राफ डाला। दूसरे दिन 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 बैंक से निकालने गया बोला अभी तो लगेगा मैं दिन तक घर पे बैठ के इंतजार किया कैश होने का और छह दिन तक मेरी टीम उधर जब कैश हुआ दौड़ के आया और अपनी टीम में आया तो कोई जिंदा नहीं बचा सिर्फ मैं अकेला बच गया क्योंकि मैंने बीस बाईस दिन तो लगा दिए उसको कैश करने में सर सीनियर के पास गया बोला सर मेरा सारा मेहनत आप लोग बेकार कर दिए सर मैं ज़्यादा बोलता था और सीनियर ने ऐसा बनाया था पूरा हिम्मत दिया था जो बोलना है बोलो कोई टेंशन नहीं यार आप बहुत अच्छे हो आप सही सोचते बोलो तो दिल की बात बोलनी चाहिए मुझे क्या पता था